सो आपने गाना सुना, आई होप कि आपने एंजॉय किया, लेकिन हमारा यहाँ पे गाना सुनाना पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाना। सो आपके लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि गाने में आपने पहली लाइन सुनी, आपके खातिर मेरे दिल का जहाँ है हाजिर। सो आपके खातिर, उसके खातिर, मेरे खातिर, भगवान के खातिर, आज आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर समवन्स सेक, ठीक है, इसको याद रखना। फॉर समवन्स सेक, समवन मतलब कोई, मतलब किसी के भी खातिर, तो समवन के बदले वो आ जाएगा समवन्स सेक, फॉर समवन्स सेक। उसके बाद सेंटेंस, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला सेंटेंस हम यही लेते हैं गाने का, सॉन्ग का, आपके खातिर मेरे दिल का जहां है हाजिर। आपके खातिर, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर योर सेक, आपके खातिर, फॉर योर सेक, द वर्ल्ड ऑफ माय हार्ट इज प्रेजेंट, मेरे दिल का जहां, द वर्ल्ड ऑफ माय हार्ट इज प्रेजेंट। कितनी अच्छी लाइन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे खातिर ये काम कर दो, कैसे बोलेंगे? फॉर माई सेक डू दिस वर्क, या इसको जैसे घुमा के बोल सकते हैं, डू दिस वर्क फॉर माई सेक, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे पता है आप यहां दीपा के खातिर हो, इसको कैसे बोलेंगे? आई नो दैट यू आर हियर फॉर दीपाज सेक, आई नो यू आर हियर फॉर दीपाज सेक। दीपाज क्या लगना, संबंध के बदले यहां पर दीपा आ गया, तो दीपाज हो गया दीपा के खातिर, फॉर दीपाज सेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आपके खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, कैसे बोलेंगे? आई कैन डू एनीथिंग फॉर योर सेक, आई कैन डू एनीथिंग फॉर योर सेक। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेक, खातिर। मैं तुम्हारे खातिर ये कर सकता हूँ, तुम मेरे खातिर ये कर सकते हो, ये हमने सेंटेंस बना रहे हैं। सर ने आप लोगों को एक तरीका बताया, अब मैं आप लोगों को इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप इन्हीं सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हो। ये थोड़ा लंबा है बट आप लोगों के नॉलेज के लिए अच्छा है। हम इसे कैसे बनाएंगे? फॉर द सेक ऑफ समवन, एक एग्जाम्पल बनाता हूँ जिससे आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। वो अपने बच्चों के खातिर एक साथ रहते हैं, इसे हम कैसे बोलेंगे? They stay together for the sake of their children. थोड़ा लंबा सेंटेंस है बट ये यूज भी होता है नॉर्मल लाइफ में, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने दोस्तों के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपने दोस्तों से ये बात बोल सकते हो, स्टेटस भी लगा सकते हो, उन्हें मैसेज भी भेज सकते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ माई फ्रेंड्स, I can do anything for the sake of my friends। दोस्तों एक सेंटेंस आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा मूवीज में या कोई भी आप लोग वेब सीरीज देखते हो कि भगवान के खातिर मुझे छोड़ दो। आप लोगों ने कभी सोचा हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि भगवान के खातिर मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो? मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम इसे ऐसे बोलेंगे। इसका भी एक अलग फॉर्मेट है, फॉर गॉड्स सेक, भगवान के खातिर। अब जैसे मुझे जाने दो भगवान के खातिर, या मुझे छोड़ दो, लीव मी फॉर गॉड्स सेक। तो दोस्तों ये आज का कॉन्सेप्ट था, और ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट हम लोग आपके लिए फ्यूचर में लाते रहेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर करना है। थैंक यू।